विदिशा जिले के गंज वासोदा में कोरोना की शुरुआत एक जमाती से हुई थी, जो कि पहले संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 13 पहुंच चुकी थी। इसके बाद सबके सब स्वस्थ भी हो गए, लेकिन जब से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और इसके साथ साथ एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जब से आवागमन शुरू हुआ है, वैसे ही सरकारी कर्मचारी और एक शहर से दूसरे शहर तक अप डाउन करने वाले कर्मचारी, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा निरंतर बना हुआ है। साथ ही अब ज़िले में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वह भी बढ़ गई है, उसमें भी अप डाउन करने वाले और प्रवासी मजदूरों की अहम भूमिका है, लेकिन अभी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मीडिया ने देखा कि कोई भी किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, किसी भी चश्मे से ये नज़र नहीं आ रहा है। अब धारा 144 भी लगी हुई है या उसे हटा लिया गया है। वैसे तो दिशा निर्देशों के साथ अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी एंगल से नहीं लगता कि अब कहीं लॉकडाउन है। इस विषय में अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक ने कहा कि अप डाउन करने का प्रतिबंध है, अगर कोई भी अधिकारी अप डाउन करता पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। निकला है ईदगाह रोड वाला, तो उस व्यक्ति को वहाँ पर भेज दिया गया है विदिशा इलाज के लिए, और जहाँ पर उसका घर है वो एरिया उस कंटेनमेंट में बना दिया गया। दिशा निर्देश यही है कि जो हमेशा से दिए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगा के बाहर घूमें, ये कहेंगे कि ज़रूरी काम हो तभी निकलें, उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा, और जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको सख्त निर्देश है कि वो अपने हेडक्वार्टर पर रहें, और अगर ऐसा पाया जाता है कि वो अपने हेडक्वार्टर से अप एंड डाउन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।